morning. Hi baby. Hi my baby. अभी तक बैठी है? हाँ जी. और आप? मैं भी. अच्छा सुनो, मैं भी आ जाऊं? I wish. आप दिल्ली में क्यों हो? मुंबई में क्यों नहीं हो? कुड़िये तू टेंशन ना ले, एक दिन ना अपन नाल होवांगे. Waiting for that day. हाँ जी. और सुनो, पहले उठो, जिम जाओ, अच्छे से नाश्ता करो, और हाँ आज कॉलेज के लिए टाइम से निकला. हाँ हाँ जी. अब होता है आज ब्रेकफास्ट में आलू पराठे बने. वाह यार, मेरे मुंह में पानी आ गया. मैं भी आज आलू के पराठे बनवाता हूँ और दोनों साथ ही मिलकर ना वीडियो कॉल पर खाते हैं. हाँ जी. हाँ जी. तो आपको पता है कल हमें ना 6 महीने हो जाएंगे डेट करते हुए. अरे वाह, आपको याद था? बेबी मैं कैसे भूल सकता हूँ. वैसे इजंट इट कूल, हमने पिछले 6 महीनों में एक भी बार फाइट नहीं करी. बेबी यार नजर मत लगाओ ना यार. और तुम्हें पता है आज रात को मैं वहां पे जा रहा हूँ. खेत की को फोन भी करना था, पता नहीं वेट कर रही होगी मेरा, वो फोन भी इधर रह गया. देखो क्या तो कनेक्शन है मेरा बेबी का मेरे साथ. हाय बेबी. मैं जब आपको कुछ कहती हूँ तो आपको याद भी रहता है या नहीं है? आप ना मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है. बेबी क्या हुआ? आपको तो मेरी परवाह तक नहीं है. आप ना बाहर में जाओ. हेलो हेलो, मुंह पे फोन काट दिया. मैंने किया क्या है यार? इट्स आवर फर्स्ट फाइट, पहली बार नाराज हुई हूं मैं. मनाना भी नहीं आता, इतने बार कहा है उनसे कि गुड मॉर्निंग मैसेज चाहिए तो चाहिए, समझ नहीं आता. यार लड़कों को वैसे ही कुछ समझ नहीं आता. यार लड़कियों को समझाना ही नहीं आता. सही बात है, लड़कियां ना बस नाराज हो जाती है और बताती भी नहीं कि इस बात से नाराज है. अब मुझे ना इतनी गुसेल मिलनी थी. लगाए खुद पता, मैं तो बात ही नहीं कर रही. बात पे लड़ाई हुई थी उसे सॉल्व करने की बजाय आज भी गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं किया. इडियट. अभी तो कोई मैसेज नहीं. इन्हां नूं तो मैं दस्सदा. एक मिनट, आ रही हूं आ रही हूं. क्या कर रहे हो? क्या करूंगा क्या मतलब होता है? दिल्ली से फ्लाइट लेकर आया हूं आपसे मिलने के लिए. आपको आपको मेरी इतनी सी भी याद नहीं आती है? आपको मेरी याद अब आ रही है? हमारी फ्लाइट कल हुई थी और आज मैं मुंबई पहुंच गया ना, पर अभी तक हमारी लड़ाई चल क्यों रही है?
यही तो प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ। क्योंकि बेबी आपने मुझे बताया ही नहीं। 24 घंटे में कितने मैसेजेस किए आपने मुझे? जीरो। वो आपने गुस्से में फोन काट दिया था और कहा था बात नहीं करनी। तो अब क्यों आपको मुझसे बात करनी है? बेबी की याद आ रही थी। और आपको पता है कितनी महंगी टिकट लेकर आया हूँ मैं? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी बेबी, बात तो करनी पड़ेगी। बेबी आप बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे हर रोज एक गुड मॉर्निंग कॉल या मैसेज चाहिए ही चाहिए। मेरा बेबी इस बात पे नाराज है। अरे बेबी कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी था। बास्केटबॉल। तो आपका मतलब है कि आपके फ्रेंड्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आपसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं। बस डायलॉग मरवा लो आप। छोटी बच्ची हो क्या? ये इंस्टा के रील्स वाली लाइन ना मुझ पे मत मारो, ठीक है? और यही गेम खेल लेना तो साइकोलॉजी फैक्ट, इफ अ बॉय लव्स यू ही विल नॉट से ही इज बिजी, ही विल मेक यू हिज प्रायोरिटी। हद है यार, बस इंग्लिश में लड़ा लो। कितनी बारी बोला है कि यार हिंदी में बात किया करो, इंग्लिश में मेरा हार्ट टाइट है। हिंदी में भाड़ में जाओ। बेबी बेबी यार प्लीज, मैं कहां रहूंगा? हद है यार। हाँ यार मिश्रा, तेरे घर ही आ रहा हूँ और क्या। एनीवे थैंक यू सो मच यार, आज रात के लिए स्टेज शॉक करने के लिए। यहाँ पे मुझे उसकी याद आ रही है और उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उसे क्या लगता है मुझे उसकी परवाह ही नहीं है? पता है कितनी याद आ रही है उसकी। यार जान तो मेरी भी निकल रही है, पर कौन करता है इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई, और ऊपर से मुझे मुंबई की सड़कों पर अकेला छोड़ दिया। तो मुंबई आया क्यों है? जा रहा होगा अपने उस फ्रेंड मिश्रा के घर। और अगर उसे ये फाइट इतनी छोटी लग रही है तो खत्म करे ना। खत्म करने तो गया था, बात खत्म करना चाहती नहीं है वो। वैसे है कि ऑल द वे टू मुंबई, बुरा लग रहा है। मैं ही फोन कर लूँ क्या? यार वैसे ना मुझे ही फोन करना चाहिए, हमारी फर्स्ट फाइट है। और फर्स्ट फाइट में समझ गया हूँ कि मेरे गुस्से ना इतनी जल्दी नहीं मानेगी। मैं भी ज्यादा ही गुस्सा कर रही हूँ, फर्स्ट फाइट है, मुझे इतना भाव नहीं खाना चाहिए। ब्रेकअप तो नहीं करोगे ना? छोटी सी बात पे कौन ब्रेकअप करता है? तो इतनी छोटी सी बात पे लड़ता कौन है? छोटी बात कैसे हुई? आपको पता है मेरा दिन कितना खराब जाता है अगर आप मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं करते तो? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए गुड मॉर्निंग मैसेज हर रोज, हमेशा, पूरी जिंदगी के लिए। अच्छा सॉरी बेबी, आगे से आपको मैं हर रोज गुड मॉर्निंग कॉल किया करूंगा। एंड I am also sorry.
आगे से आपको बता के गुस्सा करूंगी। क्या पिद्दी सी हो लेकिन फिर भी जान निकाल के रखी है। पता है चाहे हमारी फर्स्ट फाइट हो पर अगर हम जिंदगी में साथ रहेंगे ना तो हमारी बहुत सारी फाइट्स होगी। वो तो है पर प्रॉमिस करो आगे से हमारी जब भी फाइट हो ना जब भी गुस्सा हो दो मुक्के मारो एक जप्पी डालो और बात को वहीं पे खत्म करो। पर उसके लिए तो आपको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। फोन पे मार लेना। You do this every time. Do not talk to me. I don't want to be with you. You're playing with my feelings. बेबी बता तो दो मैंने किया क्या है ना मुझे ये पता है कि हुआ क्या है और ना ही आपकी ये फटफट बोलने वाली इंग्लिश समझ आ रही है मुझे। और बेबी मैंने ना एक चीज रियलाइज कर ली है जब आप कहते हो ना कि आपको मुझसे बात नहीं करनी तो आपको मुझसे बात करनी होती है और जब हमारी लड़ाई हो जाए ना तो आपको कभी अकेला ना छोड़ो क्योंकि हमारी लड़ाई बढ़ जाती है। अच्छा बेबी अब ये तो बता दो कि हुआ क्या है या फिर तुम्हारी घर आके क्लासरूम है। घर ही आ जाओ। ठीक है बेबी। लड़ाई लड़ाई माफ करो। कंटेंट का कीड़ा को सब्सक्राइब करो। यार पहली बार कंटेंट के कीड़ा के साथ काम कर रही हूँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस शॉर्ट फिल्म को वायरल कर दो। प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज।